देश भर में चल रही कोरोना की दूसरी लहर का असर जालौर जिले में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। यहाँ लगातार मरीजों की अब संख्या बढ़ती जा रही है। आज दिन तक यहाँ करीब 5,788 कोरोना के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, उसमें करीब 215 लोग एक्टिव केस है। फिलहाल जो दूसरी लहर जिले में चल रही है वह सबसे ज़्यादा भीनमाल, रानीवाड़ा और सांचौर की तरफ इन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार जो कोरोना की वैक्सीन है वो लगाई जा रही है, उसकी भी संख्या लगातार जिले में बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लोग जो कोरोना गाइडलाइन की जो पालना नहीं कर रही है उनके खिलाफ भी प्रशासन और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यहाँ जो जालौर में गुजरात की जो सीमा है वहाँ पर भी सख्ती बरती गई है। वहाँ भी गुजरात से जो राजस्थान में जालौर जिले में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं उनकी बाकायदा नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। अगर उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो बकायदा उनका सैंपल लेकर के उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। लगातार जो जिले में स्कूलें भी बंद है, फिलहाल कहीं बच्चे भी पॉजिटिव हो चुके हैं, उसको लेकर भी प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। फिलहाल जो जालौर के मार्केट में भी सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं गार्डन बगीचे वहाँ भी लोग जो सुबह शाम घूमने आया करते थे उनमें भी काफ़ी संख्या कम हो गई है। क्योंकि जो फिलहाल दूसरी जो लहर ये आई है ये घातक बताई जा रही है और जिस तरीके से इसकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है उससे लोगों में कुछ डर का माहौल भी है। लेकिन पुलिस और प्रशासन, कहीं सामाजिक संगठन भी लोगों से अवेयरनेस की बातें की जा रही है, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों के वैक्सीन लगे और इस कोरोना महामारी की जंग से जीता जा सके। हरिपाल सिंह, न्यूज़ 24, जालौर।